हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डिस्प्रिन के बारे में। डिस्प्रिन में होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड 325 मिलीग्राम। दोस्तों ये टेबलेट इस्तेमाल होती है सिर दर्द में, माइग्रेन में, थ्रोट इन्फेक्शन के अंदर या गले के अंदर आपको टॉन्सिल्स हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में भी डिस्प्रिन दी जाती है। डिस्प्रिन को इस्तेमाल करने का तरीका, ये डिस्पर्सिबल टेबलेट होती है, इसको आपको पानी के अंदर घोल कर लेना होता है, डायरेक्ट इसको नहीं लेना होता है। और आपको अगर थ्रोट इन्फेक्शन है या आपको टॉन्सिलाइटिस है तो ऐसी स्थिति में डिस्प्रिन को आप पानी में डालकर इसके गार्गल भी कर सकते हैं। दोस्तों बहुत से लोग डिस्प्रिन को लगातार लेते हैं, सिर में दर्द होता है और डिस्प्रिन को लेना शुरू कर देते हैं, लगातार डिस्प्रिन लेते हैं तो सिर्फ डिस्प्रिन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि डिस्प्रिन के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको सिर दर्द कंटिन्यू है तो आप उसको सिर दर्द का कारण ढूंढिए डिस्प्रिन लेने के बजाय। डिस्प्रिन से आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाएगा लेकिन आपको जब दोबारा सिर दर्द होगा तो आप फिर डिस्प्रिन लेंगे। तो ऐसे में आपको सिर दर्द का अपना कारण ढूंढना है, सिर दर्द आपको किस वजह से हो रहा है। सिर दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो आपका अगर बीपी इंक्रीज है, बीपी बढ़ रहा है तो भी आपको सिर में दर्द हो सकता है, या आपकी आंखों की कोई समस्या है, आपके आंखों का प्रेशर ठीक नहीं है, आंखों पे स्ट्रेस ज़्यादा है तो उसके कारण भी आपको सिर दर्द हो सकता है, या आपको कोई एंजाइटी या कोई टेंशन है उसके कारण भी आपको सिर दर्द हो सकता है। तो सबसे पहले आपको कारण ढूंढना है कि आपको सिर दर्द क्यों है, उसके बाद में आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और डिस्प्रिन उसका इलाज नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं डिस्प्रिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। डिस्प्रिन का बहुत ज़्यादा सेवन करने से खून पतला हो जाता है जिसके कारण चोट लगने पर खून न रुकने की समस्या हो सकती है, जिसके कारण अगर खून ज़्यादा बह जाएगा तो आपको खून की कमी भी हो सकती है। डिस्प्रिन से आपको एलर्जी भी हो सकती है जिसके कारण आपके चेहरे पर या आपके हाथ पांव के ऊपर आपको चकत्ते हो सकते हैं, या फिर आपके थ्रोट में या आपके जीभ के ऊपर सूजन भी आ सकती है, आपके होठों के ऊपर भी सूजन आ सकती है। डिस्प्रिन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो अस्थमा के पेशेंट हैं उन लोगों को डिस्प्रिन बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, उन्हें अस्थमेटिक अटैक भी हो सकता है। दोस्तों डिस्प्रिन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से गैस, अपच, खट्टी डकार जैसी समस्याएँ भी हो सकती है, और हो सकता है कि आपके पेट में डिस्प्रिन का इस्तेमाल ज़्यादा करने से अल्सर भी बन सकते हैं, यानी कि पेट के छाले भी हो सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको जठर अग्नि से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पाचन क्रिया आपकी ठीक से काम नहीं कर रही है तो ऐसी स्थिति में डिस्प्रिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। तो डिस्प्रिन जब भी लें तो बहुत सोच समझ के लें, डॉक्टर की सलाह से लें और बार बार डिस्प्रिन लेने से बचें। दोस्तों तो यही था आज के वीडियो के अंदर। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।